हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्मा जी व्लॉग में। इससे पहले दोस्तों आपने वीडियो देखा था, हम और पापा की जो ट्रिप थी, ये हम धारी देवी जा रहे थे। तो इससे पहले इस वीडियो को मैं दोस्तों तीन पार्ट में लेके आया हूँ। एंड पहला पार्ट आपने देखा ही होगा, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको वो पार्ट का वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड अब हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके थे धारी देवी के लिए, एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। आप देख ही सकते हैं वीडियो में, मैं अपनी बाइक से एकदम मौसम के मज़े लेते हुए जा रहा था। एंड बीच बीच में बारिश भी हुई थी, बट हम लोग ने जैसे यहाँ पे रुक के आप देख रहे हैं कि नेचर को किस तरह से फील किया था। यहाँ पे मेरा रुकने का मन था नहीं, बट ऐसी वादियों में आप कौन नहीं रुकना चाहेगा यार। हम लोग ने फिर यहाँ पर वीडियो बनाया, उसके बाद थोड़ा फ़ोटो क्लिक करी और कुछ नेचर को अपने कैमरे में कैद किया। काफ़ी अच्छा नज़ारा था और बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो पास में रेस्टोरेंट था जहां हम लोग रुके थे, और ऋषिकेश से काफ़ी आगे आ गए थे हम लोग, कौड़ियाला के भी काफ़ी आगे थे। और रेस्टोरेंट जहाँ जो छोटा सा ढाबा था, तो यहां देखिए इनसे हम लोग ने मिले थे, तो काफ़ी अच्छी बात हुई थी। जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो उस समय तब तक शॉप बंद हो चुकी थी। इनसे बोला भी था हम लोग ने कि आप क्या रुक के हम लोग खाना वाना खाएँगे, बट हम लोग निकल चुके थे। फिर हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो आगे और उससे अच्छा नज़ारा देखने को मिला। मैंने पापा से कहा कि पापा बाइक रोकते हैं, और यहाँ पे मैं बाइक रोकी पास में ही। एंड उसके आप देखिए साइड में जिस तरह से क्लाउड यहाँ बना, वो देख के ही मन मोहित हो गया था मेरा कि यार इस चीज़ से तो अच्छा कुछ था ही नहीं। मैंने पापा को अपना कैमरा दे दिया एंड पापा से कहा कि आप पापा वीडियोस वगैरह क्लिक करो। और पापा को काफ़ी अच्छा था घुमाने का, मतलब मेरा काफ़ी मन था कि मैं पापा को पहाड़ों पे घुमाऊं, और क्योंकि छोटे पे क्या होता था कि पापा मेरे को ले जाते थे, और बाइक जब लाते तो मैं खड़ा हो जाता था बाहर आके कि पापा मुझे ले चलो ले चलो। तो वही अब जैसे कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो अब पापा अभी रिटायर हुए हैं मेरे, एंड तो उनके साथ हमारा घूमने का बड़ा मन था। वही हुआ, देवप्रयाग आया। देवप्रयाग का तो आप सीन देख रहे हो, उस साइड से आ रही हैं अलकनंदा, इस साइड से भगीरथी, कितना सुंदर नज़ारा है। गंगा यहीं से जन्मी है। एंड फिर हम लोग आगे बढ़े, ये सीन तो देख के मेरा और मेरे पापा का तो मन एकदम मनमोहित हो चुका था, क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और नीचे थी भगीरथी, और हम लोग यहाँ पे वीडियो और फोटो क्लिक किए थे हम लोग ने, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था, और नेचर के जो हम लोग ने मज़े लिए हैं बहुत ही अच्छे मज़े लिए हैं। उत्तराखंड की बात ही अलग है गाइस, उत्तराखंड देवभूमि, देवों की नगरी उत्तराखंड। अब हम लोग धारी देवी से बस 20 किलोमीटर की दूरी पे, हम लोग सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग ने सोचा यहाँ पर अब कुछ खा लेते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है, बाकी देवप्रयाग के भी हम लोग ने वीडियो बनाए थे, आप देख सकते हैं नेचर के, आनंद उठा सकते हैं आप नेचर का। आगे आगे जितनी वीडियो आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए गाइस। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे आलू पराठे ऑर्डर किए हैं, दो चाय, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है अभी यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ 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 सिर्फ पहाड़। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ा वीडियोस बनाए, वीडियो शूट किए, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि ज़्यादा मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा था पापा के साथ, क्योंकि हम लोग को मंदिर के दर्शन करने थे और मौसम को भी देखना था, क्योंकि वापस भी आना था। एंड इसलिए हम लोग ने ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करी, तो जो जो मोमेंट्स थे अच्छे जो लग रहे थे वो हम लोग ने इस वीडियो में कवर करे हैं। एंड क्योंकि मैं पहली बार इस रूट पर आ रहा था, इससे पहले जब मैं आया था तो देवप्रयाग ही तक गया था, और उसके बाद मैं आगे कभी गया नहीं था। मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी बाइक को एक बार ज़रूर लेके आऊँ। उससे पहले ही आप ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा था। जो
रिवर साइड व्यू होता है, रिवर साइड जो व्यू होता है बहुत ही ऑसम व्यू होता है, क्या कहने इस पहाड़ के और नेचर के, मन मोहित हो जाता है यार। एंड अब हम श्रीनगर के अंदर थे, एंटर कर चुके थे, मुझे नहीं पता था ये इतनी मतलब इतनी प्यारी सिटी है श्रीनगर, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में ये है श्रीनगर। एंड बहुत बड़ी सिटी है क्योंकि मैं कभी आया नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले मैं सिर्फ देवप्रयाग तक ही गया था। एंड उसके बाद क्योंकि श्रीनगर से ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पे नहीं है माँ धारी देवी का मंदिर, बहुत ही पास है। एंड मैंने अपने पापा को फ़ोन दे दिया और कहा कि पापा आप अब वीडियो बनाओ, मैं थोड़ा सा बाइक चलाता हूँ। एंड जो कुछ कहते ना कि कुछ आप चीज़ें सोचो और वो चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा था। पापा के साथ मैं काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं निकले नहीं थे और घर में एकदम से ऐसा हो जाता है कि माइंड भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि कहाँ जाएँ क्या करें। और आप जिस तरह से देख सकते हैं श्रीनगर काफ़ी बड़ी सिटी, मुझे जो लगा कि उत्तराखंड में जैसे ऋषिकेश की तरह, मैं ऋषिकेश जैसा है उत्तराखंड में, एंड उसी तरह श्रीनगर एक बहुत बड़ी सिटी है। एंड पहाड़ों के, मैं पहाड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, और काफ़ी क्लीन रोडें थी, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने विकास किया है उत्तराखंड का, और जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कल्चर है। एंड आप बहुत चौड़ी रोडें कर दी हैं, इजी कन्वेंस कर दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने कन्वेंस से आते हैं, आप बाई रोड किसी कैसे भी आते हैं, आपको अगर टैक्सी करनी पड़ती है आप कैसे भी आएँ, बहुत ही ईजी कर दिया है। तो अगर आप लोग बाइक से आने का दोस्तों प्लान करते हैं यहाँ पे माँ धारी देवी के लिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग दो लोग चलाने वाले होने चाहिए, क्योंकि तो यार अकेले हो जाता है थोड़ा सा, कभी आपको नींद भी आ सकती है, बट इस चीज़ का भी आपको देखना। और थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आप माँ धारी देवी के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तकरीबन आपको ये 250 के अराउंड आपको ये डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली से। एंड आप देखिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें लेते हुए आए, और बीच बीच में काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे थे, जैसे कि अभी देखा आपने कि लोग हाइक करके गए, एंड लोग देख भी रहे थे क्योंकि कैमरा पकड़ के हम वीडियो शूट कर रहे थे। और वही था कि चलिए मैं जहां आपको बता रहा था कि आपको अगर प्लान करना है तो आप अपने ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें लेके आइए, जैसे कि मेडिसिन वगैरह लेके आए, क्योंकि मैं तो जब चलता हूँ अपने साथ पूरा कॉम्पैक्ट चीज़ें लेके चलता हूँ, मैं प्रॉपर मेडिसिन लेके चलता हूँ, जैसे कि मूव वगैरह भी रख के चलता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके थोड़ा सा पैर वगैरह में दर्द भी होता है तो आप वो सब भी लेके चल सकते हैं। और जैसे कि आप कुछ छोटी मोटी जो मेडिसिन होती हैं, जैसे पेट दर्द किया, बुखार की, तो ये सब भी आप रख सकते हैं, और मेडिकल शॉप वगैरह में अवेलेबल रहती हैं। और बहुत ही प्यारी सिटी थी उत्तराखंड की, मुझे तो श्रीनगर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग ने साइड में रुके, यहाँ पे हम लोग ने चाय वगैरह पी थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि आप इतनी देर तक गाड़ी चला रहे हैं और कंटिन्यूस अगर आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो थोड़ा सा ये भी होता है कि नींद आने के भी चांसेस होते हैं। चांसेस क्या दोस्तों, नींद लगी रहती है बट ऐसा कभी शो करते भी नहीं है। तो अब हम लोग निकल पड़े थे माँ धारी देवी से, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं था माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ से। तो नेचर, मुझे पहाड़ों पर ड्राइव करना, ये मेरा सेकेंड टाइम था मैं पहाड़ों पे जब ड्राइव कर रहा था, और इस बार इससे पहले भी मैं गया था, तो आपने देखा होगा वो देवप्रयाग वाला वीडियो सचिन के साथ जब मैं गया था, वहाँ पे भी मैंने अकेले ड्राइव करी थी, और यहाँ भी, क्योंकि पापा को मैंने इसलिए भी नहीं दिया था, मैं पापा को कहते ना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था बीच में कि मुझे पापा के साथ जाने का बड़ा मन था, क्योंकि जैसे कि बचपन में जब पापा ऑफिस से आते थे, मैं छोटा था तो पापा ऑफिस से आने से पहले ही मैं गेट के पास आ जाता था, और पापा मेरे को, मैं पापा को अंदर नहीं घुसने देता था, एंड मैं पापा से बोलता था नहीं मुझे पापा बाइक से घूमना है, बाइक से घूमना है, मुझे बाइक से घुमाओ, पापा मेरे को फिर ले के जाते थे बाइक से, और वो चीज़ तो एक कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल था। एंड बचपन सभी का ही ऐसा होता है, और बचपन में लोग काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं, बचपन को मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे नेचर देखने को मिले मुझे, काफ़ी अच्छा नेचर यहाँ, मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ का, बहुत अच्छा वेदर था, जिस तरह से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि क्योंकि
मानसून अब तक शायद आ चुका था उत्तराखंड में, बट माता रानी की कृपा थी कि हम लोग को कहीं ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। बट आप लोग आइए, बहुत केयरफुल आइए, और क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले का है और मैं कंटेंट बना तो लेता हूँ, पर अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हूँ, अब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट रहता हूँ। तो ये कंटेंट कुछ आप देखिए जून के आसपास का है, और तब मैं गया था एंड पापा के साथ, तो मज़े आ गए थे। मुझे पापा को घुमाना था। कहते ना कि एक फैमिली में कोई आपके साथ ऐसे मेंबर होते हैं जिनको आपकी जो आपकी तरह होते हैं, मतलब मैं बिल्कुल पापा की तरह हूँ। उनको भी घूमने का बहुत शौक है, खाना खाने का बहुत शौक है, फूड लवर हैं एंड बाइक लवर हैं ऑल्सो। वो जब अपने एज में थे बहुत बाइक चलाते थे। अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों आपसे हम, उसमें हम माँ धारी देवी जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। एक बहुत ही अपने आप में अलौकिक मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है माँ धारी देवी। कहती है चार धामों, जैसे चार धाम होते हैं कि मानव जीवन में आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करना जरूरी होता है, वैसे बताते हैं कि मानव जीवन में आपको एक बार माँ धारी देवी जी के मंदिर के दर्शन आवश्यक होते हैं। और आप लोग आइए, कभी भी आइए, ऋषिकेश होते हुए ये मंदिर सीधा आपको देवप्रयाग के आगे श्रीनगर से थोड़ा सा दूरी पड़ता है। और अगले पार्ट में मिलते हैं फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड आपने अभी तक हम लोग को जितना प्यार दिया है वो प्यार देने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।